नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं आईपीएल के दुनिया के 10 बड़े अपडेट्स। जो यदि आप आईपीएल के फैन हैं तो अपने अपडेट्स को मिस नहीं कर सकते हैं। क्रिकेट के अलग अलग माध्यमों जैसे कि न्यूज चैनल, न्यूज आर्टिकल्स और तरह तरह के वेबसाइट का विश्लेषण करने के बाद जो अपडेट्स मुझे आपके लिए जरूरी लगे उन अपडेट्स को आपके सामने रख रहा हूं। सारे अपडेट्स विश्वसनीय सूत्रों से रहते हैं, आपको कुछ करना नहीं, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों आपके लिए वीडियो जरूर लाते हैं और यह हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 108वां वीडियो है। इसके साथ इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद में सुबह में इंडिया और इंग्लैंड सीरीज से जुड़ी अपडेट्स के लिए मैं अलग से वीडियो पोस्ट करूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखें। दोस्तों आज वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि आज कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, इसकी पूरी कोशिश करूंगा। और यदि आप हमारे चैनल का ऐसा नहीं है तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाए ताकि ऐसी वीडियोस के लिए आपको बार बार हमारे चैनल को खोजना पड़े और आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चलिए देखते हैं अपना पहला अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दोस्तों हम अपने चैनल पर आपको एक एक करके सारी टीमों की टारगेट लिस्ट बता रहे हैं और अब दिल्ली कैपिटल्स के टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट भी हमारे सामने निकल कर आ चुकी है, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की बजट के हिसाब से जो इनकी मैनेजमेंट और ट्रस्टेड सोर्सेज के हवाले से खबर है उसके हिसाब से यह तीन बड़े खिलाड़ियों को टारगेट करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है जेसन रॉय का, दूसरे नंबर पर नाम निकल कर आता है जेन रिचर्डसन का और तीसरे नंबर पर नाम निकल कर आता है मुस्तफिजुर रहमान का, जो कि इस बार आपको आईपीएल में अपना रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स का बजट बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में वह इन खिलाड़ियों को टारगेट करके अपने ऑलरेडी स्ट्रांग टीम को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे आईपीएल रुकीज की नीलामी में जो 18 फरवरी को होगा। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है बैंगलोर की तरफ से। बैंगलोर की टीम के टैलेंट स्काउट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के स्टार पर लगातार नजर रखे हुए हैं और तीन बड़े खिलाड़ियों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जिनको माइक हसन और साइमन कैटिज ने सेलेक्ट किया हुआ है, जिनके ऊपर आरसीबी की टीम आपको बीडिंग करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि कौन कौन से वह तीन खिलाड़ी हैं। सबसे पहले नंबर पर नाम आता है मोहम्मद अजरुद्दीन का, दूसरे नंबर पर नाम आता है बड़ौदा की कैप्टनसी करने वाले केदार देवधर का और तीसरे नंबर पर नाम निकल कर आता है चेतन सकारिया का। तो बैंगलोर की टीम ने तीन ऐसे खिलाड़ियों का नाम बताया है जिन्हें उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों यह जो अपडेट निकल कर आ रही है वह एक कंट्रोवर्सी को लेकर है। यह कंट्रोवर्सी मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच है और यह कंट्रोवर्सी और विवाद निकल कर आया है एक खिलाड़ी के ऊपर जिनका नाम है चेतन सकारिया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि बैंगलोर की टीम के माइक हसन और साइमन कैटिस इस खिलाड़ी के कॉन्टैक्ट में है और यह चाहते हैं कि उत्तराखंड में जब ट्रायल कैंप लगाया जाए तो गुजरात का यह खिलाड़ी उस ट्रायल कैंप का हिस्सा बने। और आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम भी इस खिलाड़ी को कॉन्टैक्ट कर चुके हैं ट्रायल कैंप के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि किस टीम के ट्रायल कैंप को यह खिलाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी देते हैं। और इनके बैकग्राउंड की बात की जाए तो यह लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इसलिए इनके ऊपर दोनों टीमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 5 की इकोनॉमी से उन्होंने 12 विकेट लिए हैं, तो ऐसे में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में आपको इस प्लेयर के पीछे फाइट होते हुए दिख सकती है। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से और आपको बता दें कि यह खबर जुड़ी हुई है पंजाब के तीन टारगेट खिलाड़ियों को लेकर और यह तीनों खिलाड़ी के नाम अनिल कुंबले के साइड से दिए जा चुके हैं। किंग्स इलेवन पंजाब के सोर्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पंजाब की टीम तीन बड़े फॉरेन खिलाड़ियों को टारगेट करने वाले हैं। इन तीनों का नाम है डेविड मलान, इसके बाद नाम आता है साकिब अल हसन का और तीसरे नंबर पर नाम निकल कर आता है मिचेल स्टार्क का। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आपको बता दें पंजाब की टीम इन तीनों ही खिलाड़ियों को खरीदने के लिए खोज रहे हैं और यह तीन खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल 2021 के ऑक्शन में बीडिंग वॉर शुरू कर देंगे। पंजाब की टीम इन तीनों खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं क्योंकि इनका पर्स बैलेंस बहुत ज्यादा है, ऐसे में कोई और टीम यदि उनसे कॉम्पिटिशन करना भी चाहेंगे तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा बाकी टीमों के लिए। 15 करोड़ की 2 बीडिंग तो पंजाब की टीम आराम से कर सकते हैं, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से खिलाड़ियों को इतने बड़े बैलेंस पर पंजाब की टीम खरीदते हैं। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की तरफ से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल खत्म हो चुका है और हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर क्योंकि इस टूर्नामेंट के बेसिस पर ही आईपीएल 2021 के ऑक्शन पर बोली लगती है यंग खिलाड़ियों की। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है अगर आपको यंग टैलेंट को पहचानना है तो, और इस साल इस टूर्नामेंट के विनर रहे हैं तमिलनाडु की टीम। तमिलनाडु की टीम के लिए सबसे खास बात जो रही है वह यह है कि दिनेश कार्तिक की कप्तानी काफी ज्यादा कमाल की थी और इसके साथ ही पूरे सीजन में वह अनबीटन रहे, यानी कि एक भी मैच तमिलनाडु की टीम ने नहीं हारा है और ऐसे में वो फाइनल मैच भी जीत चुके हैं। काफी ज्यादा अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है तमिलनाडु की टीम से। वैसे आपको बता दें कि फाइनल मुकाबला तमिलनाडु और बड़ौदा की टीम के बीच हुआ था, बड़ौदा की टीम भी एक भी मैच नहीं हारे थे लेकिन वह फाइनल मैच हार गए। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल 2021 के मैचों में ऑडियंस को लेकर। बीसीसीआई ने आईपीएल का डेट कंफर्म करने के बाद उन्होंने यह भी कहा है कि आईपीएल के मैच आपको भारत में देखने को मिलेंगे और पहले खबर आई थी कि वह पूरा का पूरा ट्राई करेंगे कि कम से कम 50% ऑडियंस मैचों को देखते हुए मिले, लेकिन इस बार एक बड़ी अपडेट आ रही है। यदि आप लोग आईपीएल के मैचों को स्टेडियम में जाकर एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि बीसीसीआई आईपीएल 2021 में 100% ऑडियंस लाना चाहते हैं, यानी कि उनका प्लान है कि उन्हें 100% ऑडियंस देखने को मिले। इसके लिए जो भी स्टेप्स नेसेसरी होंगे जैसे कि
बायो सिक्योर बबल, उसके साथ ही किस तरीके से सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा यह बाद में डिसाइड किया जाएगा, पर जहां तक टारगेट है कि आईपीएल भारत में ही हो और ऑडियंस भी रहे और पूरी तरह से स्टेडियम भरी रहे। ऑडियंस की स्टेडियम में रहने की वजह से बहुत सारे फायदे होते हैं, रोमांच अलग लेवल पर चला जाता है और इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स की कैप्टेंसी को लेकर। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की साइड से लास्ट ईयर हमने देखा था आधे सीजन कैप्टेंसी करने के बाद दिनेश कार्तिक ने इयोन मॉर्गन को कप्तानी सौंप दी थी, लेकिन केकेआर की मैनेजमेंट में लगातार यह डिस्कशन चल रहा है कि सुमन गिल को कप्तानी दे देनी चाहिए क्योंकि वह काफी ज्यादा यंग है और इसके साथ ही आईपीएल की जितने भी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी हैं उनकी कप्तानी भारतीय प्लेयर्स ही करते हैं। और इसके साथ ही सुमन गिल ने जिस तरीके का अपना गेम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिखाया, इतना खतरनाक प्रेशर की सिचुएशन में, उससे दिखता है कि वह काफी ज्यादा कूल और कंपोज्ड है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में उन्हें कप्तानी मिलती है कि नहीं। हालांकि इस साल कप्तानी तो इयोन मॉर्गन ही करेंगे, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया कि फिलहाल सुमन गिल को वाइस कप्तानी मिलने की बात हो रही है और इस बात की अनाउंसमेंट कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बहुत जल्द करने वाले हैं कि सुमन गिल उनके वाइस कैप्टन होंगे। और जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ेगा वैसे ही कोलकाता नाइट राइडर्स की 2 या 3 साल में अपना कप्तान बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना आठवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल की नीलामी को लेकर ऐसे 5 टीमों की तरफ से जो कि अपने सेम खिलाड़ियों को फिर से खरीदते हुए नजर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन टीमों ने अपने इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया था पैसों की वजह से, लेकिन ऑक्शन में यह टीम उनको वापस खरीदते हुए नजर आएंगे और ऐसा वह कम प्राइस में कर सकेंगे। इस लिस्ट में नाम निकल कर आता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के क्रिस मॉरिस का, उसके साथ ही नाम निकल कर आता है ग्लेन मैक्सवेल का, मुजीबुर रहमान का, जेसन रॉय का और नैथन कुल्टरनाइल का। बताया जा रहा है कि इनको इनकी सेम टीम वापस ऑक्शन में परचेज करना चाहेंगे कम प्राइस में। तो यह देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम में यह 5 खिलाड़ी खेलते हैं। चलिए देखते हैं अपना 9वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है चेतेश्वर पुजारा की तरफ से। पुजारा की क्रेडिबिलिटी और वह कितने अच्छे खिलाड़ी हैं वह हम टेस्ट क्रिकेट में देख चुके हैं, लेकिन लिमिटेड ओवर में चेतेश्वर पुजारा को कंसिडर नहीं किया जाता है, चाहे वह आईपीएल हो या तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट। लेकिन अब चेतेश्वर पुजारा की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है, वह आईपीएल खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी इच्छा यह है कि वह भारत की तरफ से लिमिटेड ओवर का मैच भी खेलें। उनको लगता है कि यदि उनको कोई आईपीएल की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी या मौका देती है तो फिर वह काफी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं आईपीएल में। तो पुजारा ने अपना नाम आईपीएल की नीलामी के लिए रजिस्टर करवा दिया है। हालांकि हर साल वह अपना नाम आईपीएल की नीलामी में देते हैं, लेकिन कोई भी टीम उनको सेलेक्ट नहीं करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उनके इस स्टेटमेंट के बाद उन्हें कोई टीम चुनती है या नहीं। चलिए देखते हैं अपना 10वां और आखिरी अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है एलेक्स हेल्स की तरफ से। एलेक्स हेल्स ने बिग बैश लीग में जो हीरोइक परफॉर्मेंस किया था, जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है, उसके बाद वह आईपीएल के काफी सारी टीमों के रडार में आ चुके हैं। एलेक्स हेल्स ने 500 से ज्यादा रन बनाए हैं बिग बैश लीग में, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 3 बड़ी टीमें नीलामी से पहले ही इनको टारगेट कर चुके हैं, नीलामी से पहले ही मन बना चुके हैं कि आईपीएल के ऑक्शन में इनके पीछे वह लोग आते हुए देखेंगे। इन टीमों में सबसे पहले नाम निकल कर आता है राजस्थान रॉयल्स का, इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स इलेवन पंजाब। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन टीमों का बैलेंस पर्स बहुत ज्यादा है, यानी कि हो सकता है कि आपको एलेक्स हेल्स के ऊपर 5 करोड़ से भी ऊपर की बिडिंग होते हुए दिख सकती है। अब बिग बैश लीग का खिलाड़ी आईपीएल में कितना अच्छा करेगा यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इन 3 टीमों का नाम निकल कर आ रहा है एलेक्स हेल्स की बिडिंग के ऊपर। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लेट आया, उसको मुझे अफसोस है। दोस्तों यह थे हमारे आज के आईपीएल के बड़े अपडेट्स। ऐसे वीडियोस हम हर दिन आपके लिए लाते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और भी जबरदस्त और बेहतरीन कंटेंट के साथ।